और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बड़वानी की। नर्मदा के किनारे बसा कोकरा राजघाट कभी गुलजार था, लेकिन डूब में आने के बाद ये इलाका वीरान हो गया, टापू में बदल गया। लेकिन 17 परिवार आज भी इस टापू पर कैद हैं। क्यों ये सारे लोग टापू पर रहने को मजबूर हैं और क्यों छोड़ना नहीं चाहते ये टापू और ये अपना घर, देखिए हमारी सपोर्ट में। जानवर सब आते हैं, बबूल मर जा, गाय मर गए और गोल्लो जात्री सब जात्रा। करंट लगन मर गए हमारा लड़का बड़ा जेठ का। ये दर्द है बड़वानी के कुकरा राजघाट पर रहने वाले लोगों का। ये लोग टापू पर जिंदगी बिता रहे हैं। कभी ये बस्ती भी गुलजार थी, 265 परिवार यहाँ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन बांध बना तो ये इलाके डूब क्षेत्र घोषित कर दिए गए। सैकड़ों परिवार उजड़ गए, ये बस्ती वीरान हो गई, घर खंडहर में तब्दील हो गए। करीब 250 परिवारों ने यहां से जाना मुनासिब समझा, लेकिन 17 परिवार आज भी इस टापू पर कैद हैं। इनका पुनर्वास, इनका मुआवजा, इनकी खेती, इनकी फसल, इनके मवेशी, इनके मंदिर वापस इन्हें नहीं मिले हैं, और इसी कारण ये परिवार आज भी टापू पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। पूरी तरह से एक परिवार रह रहा है, और ये ऐसे 17 परिवार हैं। जब पानी पूरा आ जाता है तो कुछ परिवार किराए के घर में रहने लग जाते हैं और कुछ परिवार यहीं रहते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि हमें अपना घर नहीं छोड़ना। इस टापू पर ना तो बिजली है ना ही कोई दूसरी सुविधा। घरों की हालत तस्वीरें बयां कर ही रही हैं, लेकिन फिर ये लोग इसे छोड़ना क्यों नहीं चाहते, जबकि आने वाले दिनों में इन घरों तक पानी पहुंच जाएगा और लोगों को नाव के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। नाव से आना जाना रहेगा हम लोगों का। अच्छा, वो भी कभी प्रशासन देता है नाव और कभी नहीं देता है। फिलहाल तो अभी अटैच नहीं हुई है नाव। विस्तार न्यूज की टीम ने इन घरों की हालत भी देखी, आखिर ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे इनकी जिंदगी गुजर रही है। मैं गांव के घर में दाखिल हो रहा हूं। ये रात में पता नहीं ये कैसे रहते होंगे, लेकिन दिन में ये सूरज का उजाला है, यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है जहाँ ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के बड़वानी के कुकरा राजघाट की, जहाँ पर ये चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। जितेंद्र जरा दिखाइए, चूल्हे पे खाना बन रहा है। हालात ठीक नहीं है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये लोग यहाँ से जाना क्यों नहीं चाहते, क्यों मुसीबतों से भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हैं। और जब बात की तो इन सवालों के जवाब भी मिलने लगे हैं। टापू पर कैद क्यों हैं 17 परिवार? ग्रामीण मुआवजा ना मिलने का आरोप लगा रही है, कुछ परिवारों की पूरी जमीन अधिग्रहित नहीं की गई, सरकार ने लोगों को गुजरात में जमीन दी, गुजरात की जमीन खेती लायक नहीं है, ये गाँव वालों का कहना है। यहाँ की जमीन को छोड़कर गुजरात कैसे चले जाएं? ग्रामीण यहाँ रहने के लिए जमीन मांग रहे हैं, जमीन पर खेती करने के लिए यहाँ रहना जरूरी है, गुजरात से यहाँ आकर खेती करना मुश्किल है, ये गांव वाले कह रहे हैं। ग्रामीणों की बातों में दर्द झलकता है, शासन प्रशासन और अधिकारियों के प्रति गुस्सा भी नजर आता है, क्योंकि उनका ना तो सही से पुनर्वास किया जा रहा है और ना ही उचित मुआवजा दिया जा रहा है। इतने परेशान है कि हम आराम से मोहताज है, और ये खड़ी फसलें जा रहे आज तक मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, और आते डंडे लेके भगाते पुलिस लेके, तो कब तक भगते रहेंगे? और इतने साल से आग बीच के बैठे रहते, बारिश आई कि भगो भगो, तो कहाँ ले जाएंगे हमको? ये भगा के वहाँ ले गए, 3 साल में लाइट बंद कर जाए, 1 महीने कहाँ देखन दिया, जानवरों को मार ठो के हर साल जानवर भेजाते हैं हमारे। कब तक हम शासन के तो सुनते रहेंगे? रहे चाहे तो सब ये मरे, चाहे तो हम मारे। जो गुजरात के अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, MP में भी किया और कल अभी जाके मैं इंदौर भी गए थे, वहाँ भी NCA को बता के आए हैं कि ऐसी ऐसी है, बाकी सभी अधिकारी आते हैं देख जाते हैं, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं करते। ये हमारी जो चेरी बोई हुई है ये सब डूब जाएगी। 23 में भी पानी आया था, तो रात को हम 11 बजे निकले थे, इतना पानी हो गया था। ये आप खड़े यहाँ पे बोट चलती थी, 70-80 जानवरों को इतने पानी में सब रस्से काट के बचाए। बरसात में यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं है। कुछ वक्त पहले नाव में करंट लगने से 2 ग्रामीणों की मौत भी हो गई थी। बारिश के मौसम में बाढ़ और जानवरों का खतरा भी है।
उधर कई गाय और भैंसों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन गांव वालों का साफ कहना है कि जब तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं होगा वो यहां से नहीं हटेंगे, क्योंकि दर दर भटकने से बेहतर है यहीं पर मर जाना। ये टापू अब कुछ दिनों में टापू जैसा लगने लगेगा, क्योंकि यहां पर पानी भरने वाला है और अब ये लोग नाव से शहर आना जाना करेंगे। अब सरकार को ये चाहिए कि इन लोगों पर ध्यान दें, इन लोगों की समस्याओं को दूर करें और इनकी समस्याओं को सुने, खासकर सुने। तो ये ज़रूरी बातें जो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से बड़वानी के कुकरा राजघाट के लोगों की थी। जितेंद्र डावर के साथ ज़फ़र अशरफी, बड़वानी।